हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूही लाइफस्टाइल। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ, वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है और उनके लिए बहुत अच्छी है जिनका रंग सांवला है या काला है। तो वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि हम क्या यूज़ करें जिससे हमारा रंग साफ हो जाए। तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें इस रेमेडी को बनाने में यूज़ करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो जो इस रेमेडी को बनाने में हम जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं, वो है बेसन। यहाँ पर हम बेसन को इस्तेमाल करेंगे और कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, और गुलाब जल का और हल्दी पाउडर, इसको हम यूज करेंगे। तो आइए हम इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो हम यूज करेंगे, वो है बेसन का। सबसे पहले हम 1 चम्मच बेसन लेंगे। तो बेसन के फायदे तो बहुत हैं फ्रेंड्स, ये हर कोई जानता है। और ये तो पुराने ज़माने में बुजुर्ग भी अक्सर यही कहा करते थे कि आप जो घर में यूज़ करिए चेहरे पर, अपने बेसन का यूज़ करें। और अब हम यहाँ पर दूध डालेंगे, कच्चा दूध। और हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करें तो कच्चा दूध ही करें, ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एक मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। और इससे चेहरा जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, साफ रंग हो जाता है एकदम, और एक चमक आ जाती है चेहरे में। और अब मैं यहाँ मिलाऊंगी, यहाँ मैंने 4 चम्मच के अराउंड कच्चा दूध डाला है इसके अंदर। और अब मैं टर्मरिक पाउडर डालने वाली हूँ, ये सिर्फ हम 1 पिंच डालेंगे, 1 पिंच ओनली, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप टर्मरिक पाउडर का यूज करें तो गांठ वाली जो टर्मरिक पाउडर वो आती है हल्दी, उसको लें और उसको घर में लेकर पीस लें। क्योंकि बाजार के जो ये पाउडर आते हैं, इनका हमें पता नहीं होता है कैसे हैं, और ये चेहरे पर लगाने से कभी कभी नुकसान भी दे जाते हैं। हल्दी के पाउडर कभी कभी आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, दाने निकल आते हैं। तो आप जब भी यूज़ करें, घर की हल्दी का यूज़ करें, गांठ वाली हल्दी ले लें और उसे ग्राइंड कर लें अच्छे से ग्राइंडर में डालकर। तो इसका हम इस तरह से एक पेस्ट बना लेंगे, देखिए। और अब हमें क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इस तरह से रखनी है हमने। और अब हम यहाँ लेंगे गुलाब जल, ये देखिए गुलाब जल लेंगे हम। ये चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और रंग को साफ करता है, बहुत अच्छे टोनर का काम करता है। तो अब हम इसको लेंगे, और थोड़ी सी कॉटन लेने के बाद में इस तरह से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। देखिए, अच्छे से पहले फेस को साफ कर लेंगे इससे, गुलाब जल से। तो गुलाब जल बहुत ही रंग को साफ करने में और चेहरे में की चमक को बढ़ाता है बहुत ही ज्यादा। तो इसको इस तरीके से हम साफ करेंगे अच्छे से अपने चेहरे को, ताकि सारा जो मैल है वो इसमें आ जाए, चेहरे की गंदगी जो है वो सब इसमें आ जाए। और अब जो ये हमने यहाँ तैयार किया है बेसन, इसको लेंगे और इस तरह से लगाएंगे। तो बेसन जो होता है वो डेड स्किन को भी निकालता है, इससे सारी जो हमारी डेड स्किन है वो निकल जाएगी और जितने भी पोर्स हैं वो साफ हो जाएंगे हमारे, और चेहरे में एक अलग ही चमक आएगी। लेकिन ये आपको 1 महीने तक लगातार करना है इसको, और आधा घंटा तो आप अपना इसमें दे ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना अगर आपको रंग साफ करना चाहते हैं, चेहरे में चमक लाना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम आप इसके लिए दीजिए, और 1 महीने तक इसे रेगुलर आपको करना है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे, और ये बहुत अच्छे स्क्रबर का भी काम करता है बेसन। और इसे अच्छे से हम इस तरह से मसाज करेंगे, 5 मिनट तक आप बस इसकी मसाज इस तरीके से कीजिए, ऐसे इस तरह से इसे अप्लाई करना है। और अब इसे 5 मिनट के बाद जब आपकी में मसाज हो जाए, तो इसे 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए, ये अच्छे से सूख गया है। अब हमें इसे इस तरीके से उतारेंगे, इसे इस तरह से ऊपर की तरफ हल्के हल्के से रब करेंगे,
ताकि ये जितना भी है जो हमने ये पैक लगाया है ये निकल जाए इस तरह से। और इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी पोर्स हैं वो अच्छे से साफ हो जाएंगे और हमारे चेहरे में एक बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी। लेकिन इसको आपको रेगुलर यूज करना है 1 महीने तक, तो कम से कम आप यूज करके देखिए और फिर आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से हम इसे अच्छे से सबको निकाल लेंगे और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से निकल जाएगा तो हाथ नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे, तो फर्क आपको 1 महीने बाद खुद ही महसूस होगा कि इससे आपको कितना फायदा हुआ है। तो इस तरीके से सबको निकाल लेंगे और अब हम अपने फेस को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है। बस इसी तरीके से आप मेरी ये रेमेडी यूज कीजिएगा एंड आई होप कि आपको इससे जरूर फायदा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ रूही लाइफस्टाइल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।